हाँ जी भिड़े जी बोलिए। हाँ मेहता साहब, आपसे थोड़ी बात करनी थी, थोड़ा सा टेंशन हो गया। किस बारे में? वो 1,00,000 रुपए का टेंशन? हाँ, नहीं वो नहीं तो भिड़े और क्या टेंशन है? क्या जेठालाल ने सही इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी तुम्हें कोई? नहीं, मतलब इन्वेस्टमेंट का टेंशन नहीं है, ये दूसरी बात है। बताओगे तो पता चलेगा ना क्या टेंशन है भिड़े। हाँ वो बात है मेहता साहब की, पुणे में मेरा एक दोस्त है, मतलब वैसे तो वो लखपति है, 4-5 लाख यूं ही खर्च कर सकता है। उसके पिताजी को ना पैसों को लेकर थोड़ी टेंशन हो गई है, मतलब पूछने के बाद भी वो बता नहीं रहे कि क्या टेंशन है। उसके बेटे को भी नहीं बताया उन्होंने, तो अभी मैं कैसे पता करूं कि क्या टेंशन है उन्हें? अरे अगर किसी आदमी को टेंशन है तो वो तो खुद ही बता सकता है कि उसे टेंशन क्या है। या मान लीजिए कोई हिंट मिल जाए कि मामला क्या है, तो फिर भी आदमी कुछ सोच सकता है कि क्या टेंशन हो सकता है, लेकिन ऐसे में तो अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपने दोस्त के पिताजी से साफ साफ बात कर लेनी चाहिए कि भाई टेंशन क्या है। नहीं बात तो हो गई मेहता साहब, उनको 2,00,000 रुपए की जरूरत है और वो मुझसे मांग रहे हैं, तो क्या करूं मैं? तुमसे मांग रहे हैं मतलब क्या उनके बेटे के पास नहीं है देने के लिए? नहीं नहीं बहुत पैसे, मैंने बताया ना वो लखपति है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपने बेटे से पैसे नहीं मांग सकते, वो मुझसे मांग रहे हैं। अरे आज तक क्या तुम्हारे दोस्त के पिताजी ने कभी तुमसे पहले पैसे मांगे? नहीं कभी नहीं। अच्छा तुम्हें अपने दोस्त के पिताजी पे पूरा भरोसा है? इसका मतलब ये है कि तुम्हारे दोस्त के पिताजी भी तुम पर पूरा भरोसा करते हैं। हाँ। और तुम अपने दोस्त के सच्चे दोस्त हो या उसे सच्चा दोस्त मानते हो, उसके पिताजी की तहे दिल से इज्जत करते हो, और अगर तुम मदद कर सकते हो तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें मदद करनी चाहिए। हाँ मेहता साहब, थैंक यू वेरी मच मेहता साहब, थैंक यू सो मच। चलो ओके। मेहता साहब की बात बिल्कुल सही है, चाचा जी मेरे लिए पिता समान है, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है, और उन्होंने सिर्फ मुझसे मदद मांगी है क्योंकि उनको मुझ पर विश्वास है, और मैं उनका विश्वास तोड़ने जा रहा था। नहीं, अभी कुछ भी हो जाए मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। चाचा जी भाई तू कहाँ चला गया था? भाई मैं अभी वापस तेरे घर ही जा रहा था, तू जानता है ना मैं कितना परेशान हूँ। हाँ चाचा जी परेशान मत होइए, मैं आपको पैसे देता हूँ। हाँ दे दे दे। नहीं इसे पैसे नहीं, साड़ी है। हैं? ये साड़ी है जो फॉल बीडिंग के लिए दी थी माधवी की, वही लेके जा रहा था। आप यहीं रुकिए मैं पैसे लेके आता हूँ। नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वो पैसे कैसे हो भैया? ठीक ठीक तू एक काम कर, मैं मंदिर में राह देखता हूँ, तू वहाँ पैसे लेकर आ, जल्दी जा। दो बार मुझे चाय बनाने का बोलकर होटल में जाके चाय पी रहे हो आप? क्या परेशानी है आपको? नहीं कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं कुछ तो टेंशन है, मुझे बताइए अभी। नहीं काई टेंशन नहीं है माधवी। शक्कर कहाँ है? क्या बार बार शक्कर 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 कर रही हो, शक्कर को मारो गोली। अभी मुझे 1 कप चाय दो। काय? चाय नहीं मिलेगी। नहीं इस बार मैं पक्का पीऊंगा चाय, शपथ। आई शपथ। ये जो दूसरी बार चाय बनाई थी ना उसमें शक्कर खत्म हो गई, घर में शक्कर का एक दाना भी नहीं है, कर लो। बिना शक्कर चलेगी? हाँ? बिना शक्कर चलेगी पक्का। किसी ने सच ही कहा है, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है। भगवान भिड़े अभी पैसे लेके आ रहा है, आशीर्वाद दीजिए कि सब ठीक हो जाए। चाचा जी। हाँ हाँ भिड़े मास्टर, लाए पैसे लाए। ये रहे 1,00,000 रुपए। थैंक यू बिल्डिंग मास्टर, थैंक यू। उन्हें मुझ पर भरोसा करके जो मुझे सम्मान दिया है वो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, थैंक यू। चाचा जी आपने बताया नहीं कि आप किस मुसीबत में। देख भाई बिल्डिंग मास्टर, मैंने तुझसे ये पैसे क्यों लिए वो मैं तुझे अभी नहीं बता सकता, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। एक मिनट चाचा जी। हाँ। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन आप ये पैसे वापस कब दूंगा? हाँ मतलब माधवी पूछेगी ना कि पैसे कहाँ गए तो बताना तो पड़ेगा ना। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैंने आपको पैसे दिए, लेकिन
कब वापस मिलेंगे ये जानना जरूरी है। मामा जी ने ये पैसे मुझे आशीर्वाद के रूप में दिए हैं, इसलिए कब वापस मिलेंगे कुछ बता सकते हैं? देख भाई, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तेरे पैसे जल्द से जल्द तुझे लौटा दूं, बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। चलता हूं। चाची जी आज मैं और माधवी पहली बार मिले थे, क्या सोचा था मैंने, मस्त लोनाल वाली प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर माधवी को गिफ्ट दूंगा, लेकिन मेरे नसीब में खुशी लिखी ही नहीं है। पर चाचा जी भी नहीं बता रहे कि ऐसी क्या मुसीबत है जो उनको 1,00,000 रुपए की जरूरत आन पड़ी। हे देवा, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता दिखा? अरे हाँ, चाचा जी का पीछा करता हूं, पता तो चले आखिर किस मुसीबत में फंसे हैं। चाचा जी नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ गए? चाची जी कहाँ गायब हो गए? अरे कहाँ चले गए? ए भिंडी मास्टर, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? पीछा नहीं चाचा जी, मैं तो बस ऐसे ही। देख भाई, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है, और अगर तू मेरा पीछा करने की सोच रहा है तो भाई तेरे पैसे वापस ले लेते, लेकिन मैं जानता हूं कि तुझे मुझ पर पूरा भरोसा है कि मैं इन पैसों का कोई गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा, है ना? हाँ। जा, अब घर जा। जा रहे हैं ना? हाँ। मुसीबत है, अभी चाचा जी का पीछा भी नहीं कर सकता। देवा, चाचा जी की रक्षा करना और मेरे पैसों की भी, इन शॉर्ट दोनों का ख्याल रखना। साला गरीब सलाह। अरे भाई, ये तो टीवी के सेल की फाइल है, मुझे फ्रिज के सेल की फाइल दे भाई। सर, ओ, क्या इसमें हंसने जैसा क्या है? नहीं नहीं सेठ जी, मैं वो फाइल की बात पे नहीं हंस रहा हूँ। तो ये बावरी जी भी कमाल है, उन्होंने मुझे मैसेज करके सवाल पूछा कि घास फूस और सलाद खाने से क्या वाकई वजन कम होता है। मैंने कहा हाँ, तो उन्होंने मुझे और एक सवाल पूछा, तो फिर हाथी, भैंस और गेंडा, ये तीनों पतले क्यों नहीं होते? शाबाश, अभी बावरी ने नया चालू किया, नहीं दुकान में आने से मना किया तो अभी मोबाइल में मैसेज बन के आ रही है। कुछ भी करके उसे तुझको काम में डिस्टर्ब तो करना ही है, नहीं? उसको बोल दे भाई, ये सब मैसेज दुकान के टाइम के बात करे।
लेकिन सेठ जी, दुकान के बाद तो बावरी जी मुझे पर्सनली मिलती है, तो फिर वो मैसेज क्यों करेंगी? अरे बोलो बोलो मनोज भाई। हाँ जेठा भाई, बस मेरी ऑफिस से अभी निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में आपकी दुकान पे आ रहा हूँ मैं। अरे आइए आइए, वेलकम वेलकम। जेठा भाई जरा फटाफट निपटाना, मैं जल्दी में हूँ। अरे अरे आइए आइए, फटाफट हो जाएगा आपका काम। हमारे वो भिड़े भाई है ना, वो पेशे से शिक्षक है, तो टाइम के बहुत पक्के। मैंने उसको 4 बजे का बोला है, लेकिन वो 4:45 बजे इधर हाजिर हो जाएगा। ठीक है जेठा भाई। ओके ओके, आइए 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 मिस्टर चायराम भिड़े। हाँ, आज से आपका नाम मिस्टर चायराम भिड़े। ये क्या नया कोई गेम है जो बीवी को चाय बनाने के लिए बोलने का और खुद गायब हो जाने का? सॉरी, जो चाय बनी थी वो दे दो, मैं पी लूंगा। चाय देती हूँ मैं, मुझे पहले ये बताइए क्या चल क्या रहा है, क्या परेशानी है आपको? माधवी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा, लेकिन अभी मुझसे कोई भी सवाल मत पूछ। चक्कर तो लाए नहीं होंगे आप? असुदेव, ठीक है आप आराम कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, बैठिए आप। अब चाचा जी को पैसे दे ही दिए तो टेंशन लेके कोई फायदा नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा। बस एक इधर और एक इधर रख दे। जी सर। हाँ। बस अभी तू जाकर चाय नाश्ता लेके आ जा, वो मनोज भाई और भिड़े आते ही होंगे, जा। अरे वाह, भिड़े भाई आ रहे हैं, उनको क्या खरीदना है, टीवी या मोबाइल? स्कीम। स्कीम? लेकिन सेठ जी, अभी तो हमारी दुकान में कोई भी स्कीम चालू नहीं है। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आप मुझे सिर्फ थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अभी फटाफट कोई बढ़िया सी स्कीम सोच के आपको बताता हूँ। अरे भाई, स्कीम मतलब वो एक पे एक फ्री वाली स्कीम नहीं, वो लोना वाला में वो मनोज भाई का प्रोजेक्ट वाली स्कीम है ना, उसमें भिड़े को इंटरेस्ट है, इसलिए दोनों आ रहे हैं। जा तो चाय नाश्ता लेके आ जा जल्दी। अरे वाह, भिड़े भाई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेठ जी, तो एक काम करो, गर्मा गर्म नाश्ते के साथ मस्त मिठाई भी लेके आओ। अरे वाह, बढ़िया विचार है, जा लेके आ जा। जी सेठ जी। जेठा भाई। अरे मनोज भाई आ गए, आइए आइए आइए, बैठे बैठे बैठे। बैठना नहीं है जेठा भाई, भिड़े जी नहीं आए? वो बस आता ही होगा, गली का नाके तक तो पहुंच भी गया होगा। आप बैठिए ना, बैठिए बैठिए। जेठा भाई, कल आपने बहुत सही वक्त पे फोन किया, क्या है कि ये स्कीम में मैं सिर्फ 25 लोग लेना चाहता हूँ। कल जब आपने फोन किया तो 23 लोग तो हो चुके थे। ओहो। और 24वां मेरे सामने बैठा हुआ था। वाह। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते ना फोन करने में, तो भिड़े जी का नंबर नहीं लगता। बराबर, सब नसीब की बात है। पूरे पेपर्स रेडी करके आया हूँ मैं जेठा भाई, ये देखो, NOC, लैंड एग्रीमेंट, नोटरी, सब है, बस भिड़े जी की सिग्नेचर्स बाकी है। वाह वाह मनोज भाई, वाह, आपका काम तो एकदम वो अर्जुन के निशाने की तरह है, एकदम पक्का। अरे वो भिड़े जी को फोन करो ना, कहाँ तक पहुँचे। अरे हाँ, वो करता हूँ अभी, करता हूँ। अरे बाप रे, जेठा का फोन। अरे हाँ, मुझे तो पैसे लेके दुकान जाना था, ये चाचा जी के चक्कर में मनोज भाई की स्कीम वाली बात तो भूल ही गया, अभी क्या जवाब दू। हेलो जेठालाल। हाँ भाई भिड़े, कहाँ पहुँचा तू, कहाँ है? मैं घर पे हूँ। घर पर? अरे भाई, घर में घड़ी बड़ी है क्या? नहीं है? अरे मनोज भाई आ गए भाई, आजा आजा जल्दी आजा। जेठालाल मैं अभी नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। मनोज भाई आके राह देख रहे हैं, जल्दी आ, जल्दी कर, है जल्दी कर, चल। जेठालाल दरअसल मैं आज पैसे नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब? जेठालाल वो पैसों का कुछ अर्जेंट काम है इसलिए। अरे ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया, क्या प्रॉब्लम क्या है तुझे? जेठालाल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस तो फिर आजा जल्दी, चल मनोज भाई राह देख रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, तब तक तू आजा, चल। अरे बोला ना भाई, मैं पैसे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मैंने स्कीम को लेकर अपना मन बदल दिया है। क्या? बाय। हेलो हेलो हेलो, स्विच ऑफ ही कर देता हूँ। क्या हुआ जेठा भाई, सब ठीक तो है? हाँ वो फोन कट हो गया, गोडाउन में कभी कभी वो सिग्नल का प्रॉब्लम होता है, मैं वापस लगाता हूँ उसको। ये भिड़े ने तो फोन बंद कर दिया, अब क्या करूं? आ गया। अरे बाका आ गया, ला 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 भाई चाय नाश्ता इधर ना, ए मनोज भाई के सामने रख। जी सर। रख दे, रख दे। हाँ बस रख दे।
नाश्ता कीजिए जी का क्या हुआ? वो फोन उसका नहीं लग रहा है तो मैं उसके घर का नंबर पर लगाता हूँ, आप नाश्ता शुरू कीजिए। नहीं नहीं, ये जरूर जेठाला फोन कर रहा होगा, उठाता ही नहीं है। आ गया चाह, फोन तो उठाइए। ए नको नको। हेलो, हाँ माधुरी भाभी, जेठालाल बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई। सॉरी, वो भिड़े का मोबाइल नहीं लग रहा, इसलिए घर के नंबर पे फोन लगाया। जरा भिड़े को फोन देंगे? हाँ हाँ, एक मिनट, जेठा भाई का फोन है। उसको बोल मैं नहीं हूँ। वो उनको बात करनी है आपसे। हाँ लेकिन उसको बोल मैं घर में नहीं हूँ। वो उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करनी होगी, कुछ बात तो कीजिए। अरे भाई, उसको बोल मैं घर में नहीं हूँ। वो सब खोटो को से समझू कतस ने, अभी सच में बोल रहा, मैं घर पे नहीं हूँ। ना, मैं घर पे नहीं। आओ, शक्कर लेके आना आते आते। कमाल है। हेलो जेठा भाई, ये अभी अभी बाहर चले गए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ। अरे मनोज भाई, आपने कुछ लिया नहीं? नाश्ता छोड़िए जेठा भाई, आपके दोस्त इन्वेस्टमेंट के लिए ना बोल रहे हैं क्या? नहीं मतलब हाँ मतलब वो उसको कुछ अर्जेंट पैसों की जरूरत आन पड़ी है, तो बोल रहा है कि अभी वो स्कीम में नहीं रोक पाएगा। क्या आपको ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना, तुम्हें यहाँ आता ही नहीं। तो मुझे भी अभी पता चला मनोज भाई, मैंने उसको अभी फोन किया ना तभी मुझे बता रहा है। मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि अचानक उसने पलटी क्यों मारी। आप मानोगे नहीं, वो ऐसा कभी मेरी दुकान में आता नहीं है, तो आज सुबह सुबह दुकान में आ गया। ये आप बैठा था ना, उधर ही बैठा था, और मैंने उसको बोला भी कि अरे भाई उत्साही, इतना जल्दी क्यों आ गया, मनोज भाई तो 4 बजे आने वाले हैं। ये सब बेकार की बात है जेठा भाई, पता है कितनी बड़ी बड़ी पार्टियों के फोन आए थे, उन सबको ना बोल के मैंने आपके दोस्त भिड़े जी को इस सीन ले लिया। मेरा तो सारा टाइम खराब हो गया ना जेठा भाई, अब मैं किसी पार्टी को सामने से फोन करके बोलूं तो वो तो यही सोचेगा ना कि लोचे वाला प्रोजेक्ट है, इसीलिए किसी पार्टी ने डील डन करके कैंसिल कर दी। नहीं नहीं नहीं, आपके प्रोजेक्ट के बारे में कोई ऐसा बोल ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। पर मार्केट में नाम तो खराब होता है ना जेठा भाई, आप तो व्यापारी आदमी हो, आप सब समझते हो, यहाँ सब काम भरोसे और वायदे पे होते हैं, जुबान की भी कोई कीमत होती है। जेठा भाई, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सॉरी मनोज भाई। क्या सॉरी? भीड़े, ये तूने अच्छा नहीं किया, आज तेरी वजह से मनोज भाई की नजरों में मैं गिर गया, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब भी कभी तेरे घर आता हूँ, तुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुझे जवाब देना पड़ेगा भीड़े, जवाब देना ही पड़ेगा। जय हिंद, हमारा गणतंत्र दिवस। मित्रों, इस गणतंत्र दिवस पे, आज इस शुभ अवसर पे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। 65 वर्ष हमारे मजबूत लोकतंत्र के, 65 वर्ष हमारे गणतंत्र के, 65 वर्ष हमारे संविधान के लागू होने के। आइए हमारे गणतंत्र दिवस के दिन हम अपने आप से एक संकल्प लें कि हम हमारे घर, हमारे गली, मोहल्ले, शहर, नगर, प्रदेश और पूरे देश को स्वच्छ रखेंगे। अगर कचरा कहीं फेंकेंगे तो कचरा पेटी में फेंकेंगे। हमने तो हमारा संकल्प ले लिया, लेकिन इस वक्त जेठालाल ने भिड़े की बैंड बजाने का संकल्प लिया हुआ है। अब देखना यह है कि जेठालाल क्या करते हैं। अभी तक तो भिड़े बाप से बच के भाग रहे थे, अब बेटे से कैसे बचते हैं? और अभी तक तो ये भी पता नहीं चला है कि भाई चंपक चाचा ने भिड़े से पैसे क्यों लिए। अब ये जेठालाल और भिड़े टकराएंगे तो आपके घरों में हंसी की आवाज होगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद। सोनू, वो चल लो, कर शुरू होते पड़ा। कहाँ जा रहे? वो सुनीता है ना, उसके घर हल्दी कुमकुम है आज, तो हम लोग दोनों वहाँ जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। अरे हाँ, आपको पूछना था, अब जेठा भाई से बात क्यों नहीं कर रहे थे तभी? माधवी, मैंने बोला ना, मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा बाद में, अभी मुझसे कुछ मत पूछो। बाबा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सोनू सगर ठीक है। या तुम या? हाँ, आने में लेट हो सकता है हमें। हाँ कोई बात नहीं। बाय बाय। बाय। हेलो सर, साहू। हाँ। हेलो। हाँ। साहू का जा। ओह।
देवा क्या परिस्थिति आ गई, एक शिक्षक के पास सारे सवालों के जवाब होते हुए भी वो जवाब नहीं दे पा। अभी तो मैं बच गया, लेकिन रात को सोडा शॉप पे सबके सामने जेठालाल मेरी बैंड बजाएगा। आज तो मैं सोडा शॉप पे जाऊंगा ही नहीं, जेठालाल के सामने ही नहीं जाऊंगा। बस बस बस, चलो। अरे साहब छुट्टा दो ना, तुम लोगों के पास कभी छुट्टा रहता ही नहीं है। नहीं अरे साहब, सुबह से आप जैसे पैसेंजर बैठे हैं तो सारा छुट्टा खत्म हो गया। छुट्टा एक काम करो भाई, वो सामने पहले माले पे जाओ, वो रिक्शा का भाड़ा वही दे देगा। अरे साहब रिक्शा से आप आए हैं, भाड़ा वो क्यों देंगे? अरे भाई वो हमारी सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी है, बहुत बड़ा समाज सेवक है, आत्माराम तुकाराम भिड़े। तो क्या सोसाइटी में कभी भी किसी को भी ऐसा छुट्टे का प्रॉब्लम होता है ना, तो वही मदद करते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी अपने लिए आज के पूरे दिन का छुट्टा उनसे ही ले लो, वो मना नहीं करेंगे। जाओ जाओ। अच्छा किधर? उधर पहले माले पर। हाँ हाँ उधर पहले माले, इधर से वो सीढ़ी है सीधा जाओ। हाँ उधर पहले माले पे जाओ, भीड़े भीड़े कर। हाँ अरे टप्पू के पापा, आज इतने जल्दी क्यों आ गए आप? सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, वो भीड़े से थोड़ा काम है इसलिए आया, अभी वापस जा रहा हूँ। क्या काम है? रुक अभी पता चलेगा। आत्माराम भिड़े आप ही हैं सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी? जी बिल्कुल, कहिए। 63 रुपए हुए साहब। है रिक्शा का भाड़ा 63 रुपए। रिक्शा का भाड़ा? हाँ लेकिन सोफे से यहाँ तक तो मैं चल के आया हूँ। मजाक नहीं साहब, 63 रुपए रिक्शा का भाड़ा चाहिए और 1000 रुपए की छुट्टी भी चाहिए। अरे लेकिन मैं आपकी रिक्शा में कब बैठा? आपका भाड़ा नहीं, वो जो नीचे खड़े हैं वो साहब का भाड़ा, उन्होंने बोला आपसे रिक्शा का भाड़ा ले लूं और 1000 रुपए की छुट्टी भी ले लूं। कौन है आगाऊ? साहब नाम तो पता नहीं, वो नीचे खड़े हैं। आप यहीं खड़े रहना। ए, रुक 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 रुक, भागता किधर है? अरे जेठालाल तुम, क्या हुआ? अरे क्या हुआ क्या, तू बता तुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं, हम कल बात करते ना, कल बात करते। नहीं नहीं कल नहीं, कल नहीं, मुझे अभी बात करनी है, अभी क्या अभी। ठीक है जेठालाल, चिल्लाओ मत, शांति से बात करो, मैं नीचे आता हूँ। हाँ मैं नीचे आता हूँ। क्या हुआ जेठा भाई? नहीं नहीं कुछ नहीं। अभी आपके ही चिल्लाने की आवाज आ रही थी। टप्पू के पापा देखिए, अब जो भी बात करो जरा शांति से करना है। अरे तू शांति रखने भाई, मैं शांति से ही बात करने वाला हूँ। किससे शांति से बात करने की बात हो रही है जेठा भाई? साहब 1000 का छुट्टा जाने दीजिए, मेरे भाड़े के 63 रुपए तो दे दीजिए। ओ भाई साहब आइए आइए, मैं देता हूँ आपका भाड़ा। क्या है अगर मैं किसी को पैसा देने का वादा करता हूँ ना तो देता हूँ, किसी की तरह पलटे नहीं मारता हूँ। ये लो साहब, 100 रुपए का भी छुट्टा नहीं है मेरे पास। अरे पूरा रखो भाई, आज आपने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। कोई मुझसे छुप छुप के भाग रहा था, उसको आपने मेरे सामने लाके खड़ा कर दिया। लो निकलो। चल अब बता जेठालाल, चलो ना घर पे चल के बात करते। नहीं नहीं घर पर नहीं भाई, यही बात करते हैं। बोल क्यों नहीं आया भाई, क्या प्रॉब्लम आ गया? जेठालाल मैं तुम्हारे पास आने ही वाला था। आइए बबीता जी, बोल बोल बबीता जी घर के है, बोल भाई। मैं तुम्हारे यहाँ पैसे देने आने ही वाला था, लेकिन मुझे किसी और को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? छोड़ो ना जेठालाल, मैंने जिसे भी पैसे दिए हो तुम्हें बताना जरूरी है। हाँ भाई जरूरी है, क्योंकि तेरी वजह से वो मनोज भाई मेरी दुकान में आके मुझे 4 बात सुना के गए। नहीं आतिफ भाई, इसको अगर मनोज भाई के उधर पैसे नहीं रोकने कोई बात नहीं भाई, मैं इसको जबरदस्ती थोड़ी करूंगा कि नहीं भाई तुझे मनोज भाई के उधर ही पैसे रोकने पड़ेंगे। अरे उसके पैसे उसकी मर्जी, लेकिन
कल हाँ बोल के अभी आज अचानक ना बोल रहा है तो मुझे मनोज भाई को बताना पड़ेगा ना कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। सही बात है बिड़े मास्टर, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुआ है जेठालाल, मैंने बोला ना मुझे किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। हाँ किसे? अरे भाई मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? अरे नहीं बता सकता भाई, जिनको मैंने पैसे दिए उन्होंने मुझे किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए मैंने माधी को भी नहीं बताया। जेठा भाई भिड़े मास्टर किसी को जबान दे चुका है बेचारा, तो फिर आपको कैसे बताएगा? हाँ टप्पू के पापा। चलो मैं जाता हूँ। एक मिनट भिड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे कोई और अच्छी दूसरी स्कीम मिल गई है? नहीं नहीं मिल गई है तो अच्छा भाई, उल्टा मुझे खुशी ही होगी, लेकिन तू मुझे फोन करके बता तो सही भाई। वो तो मैंने तुझे फोन किया तभी तू मुझे बता रहा है कि सॉरी मैं नहीं आ रहा हूँ, और फिर फोन काट दिया। जेठालाल कोई दूसरी स्कीम नहीं मिली है भाई। अरे तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? अरे बोला ना किसी को अर्जेंट पैसे देने पड़े। किसे? अरे नहीं बता सकता भाई। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि मैंने चंपक चाचा से वादा किया है। किससे? चंपक चाचा यानी बापूजी। तूने 1,00,000 रुपया बापूजी को दिए? हाँ जेठालाल। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे मांगे। अरे क्या कुछ भी उठपटांग बोल रहा है भिड़े, अगर बापूजी को पैसे चाहिए होते तो मुझसे मांगते, तुझसे क्यों मांगेंगे? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है जेठालाल, मैंने उनसे पूछा भी। हाँ तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि मैं जेठे से पैसे नहीं ले सकता। क्यों? मला काय माहित? तो कोणाला माहित? तुमच्या तीर्थरूपांना माहित। कायते? मतलब चाचाजी को ही मालूम होगा ना जेठालाल। एक सेकंड में तेरा झूठ पकड़ा जाएगा भिड़े, मैं अभी बापूजी को यहाँ बुला के पूछूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, बुलाओ बुलाओ चाचाजी को। अरे खबर तो कहीं ठीक है तो यहीं रुक, मैं अभी बापूजी को बुला के लाता हूँ। नहीं 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 टप्पू के पापा, बापूजी घर पर नहीं है। क्यों कहाँ गए? वो खाना खाने के बाद बापूजी नीचे चक्कर लगा रहे थे, तो मैंने कहा कि बापूजी अब घर पे आके थोड़ा आराम कीजिए, तो कहा कि नहीं यहाँ नीचे मस्त हवा आ रही है तो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठना चाहता हूँ, फिर उसके बाद बापूजी घर पर आए ही नहीं। तो कहाँ गए बापूजी? चाचा जी को पैसे देने के बाद मैं चाचा जी के पीछे गया था देखने के लिए कि वो कहाँ जा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे पीछा करते हुए देख लिया था, फिर उन्होंने मुझे घर पे वापस भेज दिया। क्या बोल रहा है भिड़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बापूजी ने तुझसे 1,00,000 रुपया लिया, अभी वो किसी को देने गए, कहाँ गए कुछ पता नहीं, कहाँ होंगे बापूजी? जीठा जी शायद टप्पू को पता हो। दया बापूजी ने तुझे भी कुछ नहीं बताया? नहीं टप्पू के पापा। हाँ टप्पू तुझे पता है बापूजी कहाँ गए? नहीं। बापूजी ऐसे बिना बताए कभी कहीं जाते नहीं, आज ऐसा क्यों किया? बापूजी आज कुछ टेंशन में थे? नहीं पापा। टप्पू के पापा हो सकता है बापूजी ने घर में कहीं पर चिट्ठी छोड़ी हो। दादाजी चिट्ठी? क्या हुआ पापा? वो मैं सब तुझे बाद में बताता हूँ, तू एक काम कर अपने कमरे में जा और देख बापूजी ने कोई चिट्ठी तो नहीं छोड़ी उधर। मैं चल 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 चल, तू बेडरूम में देख, मैं यहाँ देखता हूँ। पापा पापा वो नहीं मिली चिट्ठी। मिल गई चिट्ठी, मिल गई, बस मिली मिली। अरे ये तो अंग्रेजी में, बापूजी ने चिट्ठी अंग्रेजी में क्यों लिखी? जरा भिड़े देखते हो भाई क्या लिखा है। हाँ कंप्लेंट लेटर, ये तो कंप्लेंट लेटर है टप्पू के स्कूल से। टप्पू तूने हमें बताया नहीं दिखा? अरे भिड़े अंकल ये तो 2 साल पुराना लेटर है, ये देखिए। बापूजी ने ना किसी को कुछ बताया ना चिट्ठी छोड़ी, पर भिड़े से 1,00,000 रुपया लेके कहाँ गए होंगे? पता नहीं। किसे फोन कर रहे हैं? फायर ब्रिगेड को। बापूजी वहाँ क्यों जाएंगे?
अरे मेहता साहब को फोन कर रहा हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। मेहता साहब एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। अब क्या हो गया भाई जेठालाल, क्या हुआ? ये भिड़े कह रहा है कि बापूजी ने उससे पैसे लिए। अरे तो जेठालाल घर से निकलते वक्त पैसे लेना भूल गए होंगे, तो भिड़े से ले लिए होंगे। नहीं नहीं, मंदिर के दान पट्टी में डालने के लिए 10-20 रुपए नहीं लिए, पूरे 1,00,000 रुपए लिए। 1,00,000? ऐसा भिड़े कह रहा है। भिड़े मतलब मैंने दिए भाई जेठालाल? अरे हाँ भाई। अच्छा मेहता साहब, बापूजी वो 1,00,000 रुपया लेके किसी को बिना बताए कहीं चले गए। जेठालाल तुम एक मिनट भिड़े को फोन दो तो। हाँ मैं फोन स्पीकर पे करता हूँ, आप बात कीजिए एक मिनट। हाँ स्पीकर पे बोलिए। हाँ भिड़े। अरे भाई भिड़े, अगर चाचा जी ने तुमसे 1,00,000 रुपए मांगे या 1,00,000 रुपए लिए तो तुम्हें जेठालाल को पहले बताना चाहिए था ना, या पूछना चाहिए था। तो मेहता साहब, लेकिन चाचा जी ने मुझसे वचन लिया था कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, तुमने जो मुझे फोन करके कहानी सुनाई कि तुम्हारे दोस्त के पिताजी तुमसे पैसे मांग रहे हैं, वो सारी कहानी क्या यही थी? तुम चाचा जी के बारे में मुझसे इनडायरेक्टली पूछ रहे थे? हाँ मेहता साहब। ओहो, मेहता साहब क्या लगता है बापूजी इतने सारे पैसे लेके कहाँ गए होंगे? जेठालाल अगर चाचा जी ने 1,00,000 रुपए लिए भिड़े से, तो इसका मतलब वो किसी मुसीबत में है। जेठालाल भिड़े शांत रहो, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? जेठालाल सुनो, तुमने चाचा जी के दोस्तों को फोन करके पूछा? नहीं। तो सबसे पहले चाचा जी के सारे दोस्तों को फोन करो और पूछो कि वो उनके पास तो नहीं गए। हाँ नहीं, बराबर आप बराबर बोल रहे हैं, ठीक है मैं अभी करता हूँ। और हाँ सुनो सुनो जेठालाल, चाचा जी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे बताना प्लीज। हाँ जी जरूर जरूर, ओके थैंक यू मेहता साहब। हाँ हाँ ओके ओके ओके। एक काम कर, बापू जी के 2-3 दोस्तों का नंबर है मेरे पास, तो मैं फोन करता हूँ, बाकी के तू डायरी में से नंबर देख के फोन कर। अरे जेठिया बोल बोल, कैसा है? मजे में, आप कैसे हैं? बस मैं भी मजे में हूँ, ऊपर वाले की कृपा है। अरे वाह सरस सरस। अच्छा काका, बापू जी वहाँ आए हैं? नहीं तो, एक हफ्ते से उसका कोई फोन भी नहीं है। ओ अच्छा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं बाद में फोन करता हूँ। अच्छा सुन, हाँ उसको बोल कभी कभी फोन भी तो किया करे। नहीं नहीं बोलूंगा, जरूर बोलूंगा। हाँ ओके। और दया बेटी कैसी है? मजे में। और टप्पू बेटा? टप्पू भी मजे में, मैं भी मजे में, सब मजे में। ओके। और मैच देखी? नहीं नहीं मैं मैच नहीं देखता। ओके अच्छा अच्छा भले। कुछ हुआ नहीं, बस ऐसे ही कुछ काम था ना तो बात कर रहे थे बाबूजी। ओके ओके थैंक यू। कुछ पता चला? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं है। ओ, अब क्या करें? टप्पू के पापा, कल रात को बापूजी रामजी काका के साथ बात कर रहे थे ना, अब उनको फोन करो ना, शायद उनको पता हो। बराबर है, वाह वाह दया वाह। हाँ बेटा बेटा बोल, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद रामजी काका की याद आई है। मुझे दोस्तदार चंपक भाई कैसा है? मजे में। अच्छा रामजी काका, कल आपने बापूजी को फोन किया था तो क्या बात हुई थी बापूजी के साथ कल? अरे ना रे ना भाई, कल क्या, बहुत दिनों से चंपक के साथ में मेरी बात हुई नहीं है। क्या कल रात को आपने फोन नहीं किया था? ना भाई ना, क्यों क्या हुआ? नहीं मुझे लगा आपने फोन किया होगा। कुछ नहीं, ठीक है मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके हेलो दया, रामजी काका तो कह रहे कि कल रात को उन्होंने फोन ही नहीं किया। तो फिर बापूजी ने कल रात को ऐसा क्यों कहा कि रामजी काका का फैन है? वही तो, अगर कल रात को रामजी काका ने फोन नहीं किया तो फिर बापूजी किसके साथ बात कर रहे थे? इसका मतलब बापूजी हमसे कुछ छुपा रहे। पप्पू जी मुझसे छुपा रहे? अरे पैसों की आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्होंने मुझसे नहीं मांगे और ये भीड़ से मांगे। दया, आज बापू जी की किसी के साथ बहस या कोई झगड़ा या ऐसा कुछ हुआ था? नहीं नहीं टप्पू
के पापा ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दोपहर को खाना खाने के बाद बापूजी नीचे टहल रहे थे ना, तब वो खुश लग रहे थे। जेठा एक बात बोलू, अगर गलत ना समझो तो। बोलिए बोलिए। आज अब्दुल शॉप पे चाचा जी क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे। तो कहना क्या चाहता है बापू जी, 1,00,000 रुपया लेके स्टेडियम में मैच देखने गए? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे लोग होते हैं ना जो मैच की हार जीत पे पैसे लगाते हैं। तो फिर शुरू हो गया? नहीं, मैं चाचा जी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हो सकता है चाचा जी का कोई दोस्त हो जिसने पैसे लगाए हो, मतलब जिसके लिए चाचा जी ने पैसे लिए हो। बापू जी का कोई दोस्त ऐसा है ही नहीं, बापू जी का सारा दोस्त संस्कारी है। तो कहना क्या चाहता है बापू जी का सब दोस्त जुआरी है? नहीं सब नहीं, मतलब एक हाथ दूसरा कोई। अगर बापू जी ऐसा बुरी आदत वाले लोगों को दोस्त बनाते ही नहीं है। फिलहाल दोस्त बनने के बाद भी किसी दोस्त को बाहर से बुरी आदत लग सकती है ना। तो बापू जी जब पता चलता उसी वक्त उससे दोस्ती कट कर देते, तोड़ देते, समझा? नहीं फिर भी वो स्कोर पूछते थे तो। अरे भाई तू क्यों बापूजी और उनके दोस्तों को सट्टेबाज बनाने पे तुला हुआ है? क्या बोल रहे हो जेठालाल, सॉरी सॉरी भाई गलती हो गई। नहीं भूल जा मैंने जो कहा भूल जा। फीड अंकल, दादाजी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते और दादाजी ने पैसे कोई अच्छे काम के लिए लिए होंगे। कळलं बाबा कळलं मला, ज्याचा जळतं त्यालाच कळतं। मेहता साहब का फोन। हाँ मेहता साहब बोलिए। क्या हुआ जेठालाल, चाचा जी को कुछ पता चला? नहीं मेहता साहब, वो किसी दोस्त के वहाँ नहीं है। और एक बात मेहता साहब, कल रात को एक फोन आया था तो मैंने बापू जी को तभी पूछा कि बापू जी किसका फोन है, तो उन्होंने मुझे बताया रामजी काका का फोन है। लेकिन अभी मैंने रामजी काका का फोन किया तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मैंने कल रात को कोई फोन किया ही नहीं है, मैंने तो कई दिन से उनसे बात ही नहीं की है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ जेठालाल कि मुझे ऐसा लगता है कि चाचा जी तुमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ मेहता साहब, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि बापू जी 4:30 बजे के गए हुए हैं, अभी 2-3 घंटे हो गए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। मुझे बहुत चिंता हो रही है मेहता साहब। जेठालाल बात बहुत गंभीर है, इसलिए अब हमें इंतजार नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि इंतजार करने के बजाय हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। एक काम करते हैं, मैं ऑफिस से सीधा निकलता हूँ और सोढ़ी को भी फोन कर देता हूँ, वो पहुंचे और तुम नीचे मिलो मुझे, फिर हम लोग चलते हैं पुलिस कंप्लेंट के लिए। ओके ठीक है मेहता साहब। भाई गोकुलधाम सोसाइटी सारी दुनिया से अलग है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि सारी दुनिया में जब सूरज उगता है तो सिर्फ सूरज उगता है, लेकिन गोकुलधाम सोसाइटी में जिस वक्त सूरज उगता है तब साथ साथ कोई नया टेंशन भी उगता है, हर दिन एक नया टेंशन। अब देखिए ना, चाचा जी 1,00,000 रुपए कहीं लेके चले गए, कहाँ चले गए हैं, क्यों चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। और ऐसी क्या बात हो गई है कि चंपक चाचा ने जेठालाल से भी पैसे लेना उचित नहीं समझा? आप लोगों को समझ में आ रहा है? मेरा सर तो मेरी गो राउंड की तरह घूम रहा है और अब हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हम गोकुलधाम निवासी भी ना पुलिस स्टेशन ऐसे जाते हैं जैसे लोग रोज सब्जी खरीदने जाते हैं। मुझे लगता है एक पुलिस स्टेशन की शाखा गोकुलधाम में ही खोल देनी चाहिए, रोज किसी न किसी बहाने पुलिस से हमारा काम पड़ता ही है, नया टेंशन और फिर पुलिस स्टेशन। अब जाना ही पड़ेगा पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन में क्या होगा ये तो तब पता चलेगा जब हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो कल मिलते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां क्या होने वाला है ये आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे मेरे साथ अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अब चाचा जी गुम हो गए हैं लेकिन आपके चेहरों से हंसी गुम नहीं होगी, हम हंसाएंगे आपको जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और सोचते रहिए क्या होगा पुलिस स्टेशन में। चलिए साहब, साहब मैं चप्पल चोर नहीं हूं, साहब साहब मैं चप्पल चोर नहीं हूं। चुप! मंदिर जैसे पवित्र जगह पर चप्पल चोरी करता है, इंस्पेक्टर चालू पांडे तुझे कड़ी से कड़ी सजा देगा। चालू जी, पांडे जी, आओ आओ महारथी आओ। सुरवे शिंदे, देखो तो कौन आया है, इस पुलिस स्टेशन के लाइफ मेंबरशिप होल्डर। चुप! जेठालाल, आज तुमने कौन सा नया कांड किया? मैंने कुछ नहीं किया चालू जी, पांडे जी, और मैं कभी कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा तो तुम्हें यहाँ बार बार क्यों आना पड़ता है, क्या यहाँ मेला लगा रहता है क्या? क्या बताऊं, मेरी कुंडली ऐसी है कि किसी ना किसी वजह से आपके पास आना ही पड़ता है। ओ, तो आज कौन से ग्रहों का मिलन हुआ जिसकी वजह से तुमको यहाँ आना पड़ा? मेरे बापू जी गुम हो गए और मेरे 1,00,000 रुपए भी। मेरी कुंडली भी है भाई साहब की तरह है, मैं चप्पल चोर नहीं हूँ, उल्टा मेरी चप्पल मंदिर के बाहर गुम हुई है साहब। रे चुप! हाँ उनको छोड़िए चालू जी, पांडे जी मेरी बात सुनिए। हाँ जेठालाल तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारी चप्पल कहाँ से गुम हुई? चप्पल नहीं, मेरे बापू जी गुम हो गए हैं और मेरे 1,00,000 रुपए। मतलब
तुम्हारे 1,00,000 रुपए लेके इनके बाबूजी भाग गए। वो भागे नहीं है। तो देखिए पांडे साहब, चाचा जी कहीं भागे नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। भिड़े ने चाचा जी को 1,00,000 रुपए दिए उधार। हाँ उधार उधार, भिड़े ने चाचा जी को 1,00,000 रुपए उधार दिए और चाचा जी बिना किसी को बताए वो रुपए लेके कहीं चले गए। उसको भागना ही बोलते हैं ना। नहीं नहीं बाबूजी, भागे नहीं है। तो कहाँ गए? वो पता होता तो हम यहाँ क्यों आते चालू जी, पांडे जी, सीधा वहीं जाते ना। क्या जमाना आ गया है, आजकल के पिता अपने पुत्र से बिना पूछे कहीं भी चले जाते हैं, और उनका पुत्र यहाँ आकर हमसे पूछता है कि हमारा बाप किधर है। खैर छोड़ो साहब, मुझे भी छोड़िए। अरे चुप, तुम्हारा नाम क्या है? भिड़े। तुम मास्टर भी हो ना? तुमने सवाल नहीं पूछा चाचा जी से 1,00,000 रुपए देने से पहले कि क्यों चाहिए, किसे देना है, और इसे लेकर कहाँ जा रहे हो चाचा जी? इंस्पेक्टर साहब, मैंने बहुत पूछा उनको लेकिन उन्होंने बताया ही नहीं। ओह, मतलब 1,00,000 रुपए और चाचा जी दोनों गायब हैं। कहीं चाचा जी को कोई गलत आदत तो? अरे नहीं नहीं, पांडे जी कैसी बात कर रहे हैं, चाचा जी हम सबके आदर्श है, वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। चालू जी, पांडे जी आप तो बापूजी को अच्छी तरह जानते हैं। और तुम्हें भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम अभी भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक हो ना? हाँ जी जी। दुकान भी अभी तक अच्छी चल रही होगी ना? बापूजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छी चल रही है। एक तो बापूजी से फोकट में आशीर्वाद लेते हो और उनको 1,00,000 रुपए नहीं दे सकते। तुमने बापूजी को 1,00,000 रुपए नहीं दिए होंगे इसीलिए उन्होंने भिड़े से मांगे। नहीं लेकिन बापूजी ने मुझसे मांगे ही नहीं। कहां से मांगते, उन्हें कई बार मांगा होगा लेकिन तुमने पैसे देने में इतना परेशान किया होगा उनको, इतना मजबूर किया होगा कि वो बेचारे गली गली भटकते भटकते भिड़े के द्वार को खटखटाया होगा और कहा होगा, भिड़े मुझे 1,00,000 रुपया मिल सकता है, और बेचारा भिड़े ने दे दिया। ये क्या बोल रहे हैं चालू जी, पांडे जी ये क्या बोल रहे हैं आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, क्या मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ? जेठालाल, पैसे वाले पुत्र को मैंने बदलते देखे हैं। तुम ही सोचो, तुम बापूजी के इकलौते बेटे हो और तुम्हारे पास पैसे भी हैं, फिर भी बापूजी ने तुमसे पैसे नहीं मांगे, क्यों? क्यों क्यों क्यों? ये केस बिल्कुल इस पानी की तरह साफ है। ये पानी साफ क्यों नहीं है? साहब पानी में गलती से कचरा गिर गया होगा, मैं अभी बदल देता हूँ। अब ये केस बिल्कुल आईने की तरह साफ। जेठालाल, तुमने चाचा जी को पैसे देने से इनकार किए इसीलिए उन्होंने भिड़े से पैसे लिए और पैसे लेकर गुम हो गए। नहीं नहीं, देखिए बापूजी गुम होने के जिम्मेदार तुम हो, तुम हो। वो पांडे जी की गल कर रहे हो तुसी यार? वो अस्सी वही बोल रहे हैं जो तुसी सुन रहे हो। पंजाबी? अरे चालू जी, पांडे जी ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या तुम कहना क्या चाहते हो, मैं चोर तुम कोतवाल? नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि बापूजी मेरी वजह से गुम नहीं हुए हैं। और चुप। देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे डांटे। डालो पांडे साहब, आप जरा सी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। जेठालाल तो अपने पिताजी का इतना सम्मान करता है कि हम सबके लिए मिसाल है, वो तो बात बात पे उनका आशीर्वाद लेता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता है। और कभी नहीं कर सकता जी। अच्छा, अरे ऐसा आज्ञाकारी पुत्र आपको पाउडर गली में तो क्या पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। ओह, पर इंस्पेक्टर साहब, अगर ये जेठालाल ने चाचा जी के साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले ही उसको गोकुलधाम सोसाइटी से बाहर निकाल देंगे। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप जल्द से जल्द मेरे पैसों को और चाचा जी को ढूंढ निकालिए प्लीज। हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो चाचा जी सचमुच किसी मुसीबत में हो और हम लोग यहाँ पे ऐसी बातचीत करते रहे। ठीक है, मैं अभी पेट्रोलिंग वैन पर चाचा जी की तस्वीर और सारी डिटेल भेज देता हूँ। थैंक यू चालू जी, पांडे जी थैंक यू। और हाँ, 11 बजे तक चाचा जी नहीं आए तो तुम मुझे डायरेक्ट मोबाइल पर फोन करोगे। फालतू में बैठने का नहीं, और पुलिस स्टेशन में बैठने का ही शौक है तो अंदर डालता हूँ। चलो पांडे जी, जा रहे जेठालाल, चलो भाई चलो।
इन्होंने बताया ना 11 बजे तक चाचा जी नहीं मिले तो फोन करना, तो हम फोन कर देंगे, और अगर फोन नहीं लगा तो हम सीधा यहाँ आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अभी चलो सोसाइटी में जाकर चाचा जी का इंतजार कर। चलो 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 चलो। क्या हुआ टप्पू के पापा, बापूजी के बारे में कुछ पता चला? नहीं दया, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवा दी है और चालू जी पांडे जी ने सब जगह मैसेज भेज दिया है, अभी पुलिस ढूंढ रहे हैं बापूजी को। समझ में नहीं आता ऐसे बिना बताए बापूजी कहाँ चले गए। डोंट वरी पापा, मुझे पूरा यकीन है दादाजी ने कुछ अच्छे काम के लिए पैसे लिए होंगे। पता है बेटा, लेकिन अच्छा काम करने कहाँ गए है पता तो चले। जेठा जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाचा जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको कुछ नहीं होगा। थैंक यू बबीता जी। मे बी कोई ऐसी बात होगी जो चाचा जी ने हमें बताना जरूरी नहीं समझा होगा। अरे पर सही बात है, और जेठा भाई पुलिस कंप्लेन हो गई है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भिड़े, तूने बापू जी को पैसा देने से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? एक बार बता दिया होता तो ये झंझट ही नहीं होती ना। टप्पू के पापा, आप भिड़े भाई पर गुस्सा मत कीजिए, उल्टा हमें तो उनका आभार मानना चाहिए। बापूजी की परेशानी में उन्होंने उनकी मदद की है। हाँ जेठालाल, अगर चाचा जी ने मुझसे पैसे मांगे होते और वचन लिया होता कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं, तो मैं भी वही करता जो भिड़े ने किया, मैं भी नहीं बताता किसी को। यार मैं भी किसी को नहीं दसता है। अरे मैं भी किसी को नहीं बताता। हाँ जेठालाल, अगर चाचा जी वचन ले लेते तो कोई नहीं बताता। सॉरी भिड़े, दया सही कह रही है, सॉरी, मुझे तुझ पे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, उल्टा तेरा आभार मानना चाहिए, थैंक यू। अरे हाँ भिड़े अंकल, दादाजी की हेल्प करने के लिए थैंक यू। अरे नहीं नहीं टप्पू बेटा, आप ऐसे आभार मत मानिए, थैंक यू मत बोलिए। अरे चाचा जी मेरे भी तो पिता समान ही है ना, और मैं उनकी वैसे भी मदद करता ही। क्या हो रहा है भाई? अरे पटाखे क्यों? अरे ये अब्दुल पटाखे क्यों फोड़ रहा है? क्या हो गया अब्दुल को, अचानक पटाखे क्यों फोड़ रहा है? माधवी भाभी और सोनू चमकते तमकते नए स्कूटर में, ओ पिड़ू। माधवी स्कूटर में चल लेगा। अरे चाचा जी भी साथ में ही है। दादाजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? अरे ये दिल्ली मास्टर के लिए नया स्कूटर लेने। अरे देख क्या रहा है दिल्ली मास्टर, ये स्कूटर तेरा ही है। अरे इसी के लिए मैंने तुझसे 1,00,000 रुपए लिए थे माधवी बेटी के कहने पर। आहो, ये मेरा प्लान था, मैं आपके लिए 1,00,000 रुपयों से स्कूटर खरीदना चाहती थी, लेकिन आप थे कि मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। आपके सर पे तो एक ही धुन सवार थी, पैसे इन्वेस्ट करना, और मुझे पक्का पता था कि आप सोसाइटी में से भी किसी की नहीं सुनेंगे सिवाय चंपक चाचा जी के, इसलिए मैंने उनको फोन किया और उनकी हेल्प ली। चाचा जी कुछ मत बोलिए वहाँ, मैं माधवी बोल रही हूँ। हाँ
हाँ बोल रहा हूँ। सामने से कोई बोला? बापूजी कितने नसीब वाले हैं। कौन है बापूजी जो बार बार फोन करके बात नहीं कर रहा है? वो राम जी है फोन पे, उसे हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी इसलिए फोन कट करके बार बार फोन कर रहा था। तुम लोग जाओ सो जाओ। ठीक। हाँ बोलो। चाचा जी मुझे आपसे एक मदद चाहिए। क्या? चाचा जी मैं इनको कब से कह रही हूँ कि इनके लिए नया स्कूटर खरीद लेते हैं। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि मेरी बात ही नहीं मान रहे हैं, तो प्लीज चाचा जी आप इनको समझाइए ना, और वो भी कल के कल। हाँ? कल ही इनके लिए स्कूटर खरीदनी है चाचा जी। क्या? हाँ, क्योंकि कल का दिन हमारे लिए बहुत खास है। कल हम दोनों पहली बार मिले थे चाचा जी। लेकिन चाचा जी प्लीज आप मना मत कीजिए प्लीज। देखिए आपके सिवा इस सोसाइटी में ये किसी की बात नहीं मानेंगे। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए ना चाचा जी प्लीज। ठीक है, कितने पैसों का इंतजाम करना होगा? 1,00,000 रुपए। 1,00,000 रुपए? नहीं नहीं चाचा जी पैसों की चिंता मत कीजिए, पैसे हैं। अरे लेकिन वो क्या है, इनके मामा मम्मी आए थे तो उन्होंने जमीन के हिस्से के इनको 1,00,000 रुपए दिए हैं, तो वो पैसे हमारे पास है। अब ये चाहते हैं कि ये पैसे कहीं इन्वेस्ट करें, लेकिन मेरी इच्छा है कि इनके लिए स्कूटर खरीदूं ताकि इनकी भागदौड़ कम हो चाचा जी। लेकिन इसमें तो झूठ बोलना पड़ेगा, ये गलत है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी प्लीज प्लीज आप मना मत कीजिए, क्योंकि ये काम सिर्फ आप और आप ही कर सकते हैं चाचा जी प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। थैंक यू। मतलब बापूजी जब कल आपने कहा था कि रामजी का काका फोन है, वो दरअसल भीड़े बहन का फोन था? हाँ। बापूजी गजब खेल खेला आपने, तभी मैं सोचूं कि आपने मुझसे पैसे नहीं मांगे और भीड़े से कैसे पैसे मांगे। बापूजी कम से कम मुझे तो बता दिया होता। हाँ बापूजी। अरे जेठे आप, अरे भाई भिंडी मास्टर को सरप्राइज देनी थी इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया, टप्पू को भी नहीं बताया, और तो और अब्दुल को भी पता नहीं था कि उसने फटाके क्यों फोड़े। हमने तो सिर्फ फोन करके इतना ही कहा था कि अब्दुल जाके सोसाइटी में फटाके फोड़, हम लोग आ रहे हैं। बापू जी अच्छा। लेकिन माधवी तुम तो जानती थी ना कि मुझे वो 1,00,000 रुपए लोनावला में सेकंड होम में इन्वेस्ट करने थे, अब मेरा वो सपना तो सपना ही रह गया ना। आहो वो सपना तो हम लोग कभी भी पूरा कर सकेंगे, इन्वेस्टमेंट के प्लान्स तो कभी खत्म नहीं होंगे। बराबर सही बात है, उनके प्लान्स तो नए नए स्कीम्स के साथ आते ही रहेंगे, और आप जिस खुशी के बारे में सोच रहे हो ना वो 10 साल के बाद मिलती, लेकिन उसके लिए हम लोग आज की खुशी खो रहे हैं, और भविष्य की चिंता में हमें अपना आज नहीं खोना चाहिए। एकदम सच्ची बात है। और आप एक बात बताइए, हम तीनों एक साथ आखिरी बार कब घूमने गए थे? आप नहीं याद आ रहा ना? जब हमारे पास स्कूटर था तब। अभी अभी हमारे पास स्कूटर है तो हम तीनों एक साथ घूमने जा सकेंगे, आपकी कितनी सारी तकलीफ है, आपकी कितनी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। रिक्शे का भाड़ा, बस के धक्के, इससे आपको कितनी तकलीफ होती थी, और मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती, इसलिए आपके पसंद की जैसे आपको चाहिए थी वैसे ही साइड कार वाली स्कूटर आपके लिए लेके आई हूं। माधवी बेटी की बात एकदम बराबर है भिंडी मास्टर। अरे भाई भविष्य की चिंता में हम आज की खुशियों से समझौता क्यों कर रहे हैं? हमारा वर्तमान अगर सुखद होगा तो भविष्य अपने आप सुखद हो जाएगा। बापू जी थैंक यू चाचा जी, थैंक यू माधवी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। दरअसल कल की खुशी के चक्कर में मैं अपना आज खोने जा रहा था। माधवी तुमने बिल्कुल सही कहा, हमारा घूमना फिरना बंद सा हो गया था, लेकिन अभी इस स्कूटर की वजह से हमारे वो दिन वापस आ सकते हैं। अब इस स्कूटर पे हम लोग तीनों घूमने जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच चाचा जी। अरे भाई भिंडी मास्टर, थैंक यू की असली हकदार तो माधवी बेटी है। ये स्कूटर लेने का प्लान तो उसका था ही, लेकिन स्कूटर के साथ साइड कार लगवाने का प्लान भी उसी का था। तुझे पता है ये साइड कार के साथ तेरा स्कूटर 1,07,000 में पड़ा,
तो ऊपर के 7,000 माधवी बेटी ने अपनी बचत में से जोड़े। अरे वाह, ग्रेट जॉब माधवी भाभी। माधवी, क्या बात, क्या बात। माधवी, आज के दिन मैं तुम्हें कुछ देने वाला था और तुमने मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया। आहो, एक ही बात है। सच में माधवी, तुमने मेरा आज का दिन यादगार बना दिया। इतना बढ़िया स्कूटर। ये तालियां चंपक चाचा और माधवी भाभी के लिए, भाई भिड़े को स्कूटर का सरप्राइज देने के लिए। दोस्तों, जब खुशी अचानक मिलती है ना, तो खुशी का मजा दुगना हो जाता है। वैसे आपको आज एक बहुत बड़ी खुशी का मौका हम देते हैं, जरा चलिए अहमदाबाद। अहमदाबाद काकरिया से आप सबको आसित कुमार मोदी का नमस्कार। हम सबके लिए खुशी और आनंद का अवसर है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के लिए ये बहुत बड़ा सम्मान है। हमारे आपके सबके प्यारे श्री तारक मेहता जी को भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आइए मिलते हैं पद्मश्री तारक मेहता जी से। तारक भाई, तारक भाई। तारक भाई, तारक भाई। आपको गोकुल धाम सोसाइटी की ओर से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से, सब टीवी की ओर से और हमारे प्यारे दर्शकों की ओर से आपको ढेर सारी बधाई और हृदय पूर्वक अभिनंदन। आज हमारे पद्मश्री तारक मेहता जी के लिए और उनके सारे परिवार के लिए बहुत बड़ा खुशियों का अवसर है। आप सबका खूब आभार। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। खुशी की बात है कि नहीं, भारत के सर्वोच्च सम्मान और पुरस्कारों में से एक, पद्म पुरस्कारों में से एक, पद्मश्री मिलने पर श्री तारक भाई मेहता को हमारे आसित कुमार मोदी ने अहमदाबाद जाकर सम्मानित किया। वह निश्चित तौर पे सम्मान की बात है, बहुत बड़े सम्मान की बात है, पद्मश्री मिलना गौरव की बात है। भाई तारक भाई मेहता की सृजन की दुनिया में से उनका उमदा चश्मा नाम से जो आर्टिकल्स थे, उन पर आसित कुमार मोदी ने एक बड़ा ही जबरदस्त सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब टीवी के लिए बनाया, जिस सीरियल ने आपके दिलों पर राज किया और कर रहा है और आपका प्यार पा रहा है। इसलिए बधाई श्री तारक भाई मेहता को भी और श्री असित कुमार मोदी को भी। हमारी पूरी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन श्री तारक मेहता का। और अब यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में चूंकि नया स्कूटर आया है तो हंगामे तो होंगे ही। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। पर एक गल दसो, एक ही दिन में तुसी स्कूटर कैसे ले लिया जी? हाँ, अरे भाई, हमारे गांव के नाथिया के बेटे का यहाँ शोरूम है स्कूटर का, उसी ने सब करके दिया। ओए पापा, ये स्कूटर का नंबर ऐसा क्यों है? और गोगी पता है, ये टेम्पररी नंबर है और कुछ वक्त में पक्का नंबर आ जाएगा। आहो, सॉरी, आपको परेशानी हुई? नहीं माधी, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, बल्कि तुमने बिल्कुल सही किया। सॉरी तो मुझे जेठालो को बोलना चाहिए, मेरी वजह से जेठालो को मनोज भाई ने बहुत सुना है। अरे भाई, वो सब अभी छोड़ने, अभी नया स्कूटर आया तो मजा कर। अब पिड़ो रुके यार, तू भी कमाल करता है, नया स्कूटर दिया माधवी भाभी ने, पहले मुझे ट्राई तो करने दे यार।
भी कर देगा। अब मेरी बात। अरे मजाक कर रहा हूँ। तो ठीक। मैं ग्राउंड मारता हूँ भाई। मैं रह गया। आज जेठाला डरा दिया तुमने मुझे, कोई मजाक करते है भला। देख भाई तेरा स्कूटर अभी बच गया है तो फिर तुझे सबको पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ भीड़ भाई, देखिए पार्टी देने की दो वजह है। पहली वजह आपको स्कूटर मिला है और दूसरी वजह आज के शुभ दिन पर आप और भीड़े बहन शादी से पहले पहली बार मिले थे। तो पार्टी तो देनी ही पड़ेगी। हाँ करेक्ट करेक्ट। पार्टी 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 क्या है? चलो जी पांडे जी आप यहाँ। पार्टी पार्टी क्या? थोड़ी देर पहले मेरे थाने में आके कहते हो कि मेरे बाबूजी गुम हो गए हैं, उसे ढूंढ निकालिए, और यहाँ आके पार्टी पार्टी। नहीं हुआ मतलब बापूजी मिल गए, मेरे मतलब अपने आप वापस आ गए। और कैसे हैं आप? हाँ। नमस्ते। हाँ। ये अपने साथ 1,00,000 रुपया भी लेकर गए थे ना, उसका क्या? स्कूटर में? नहीं नहीं। हाँ। वो 1,00,000 में से बापूजी माधवी भाभी के कहने पर भीड़े भाई के लिए ये नया स्कूटर लेकर आए, ये नया है। 1,00,000 रुपए बाबूजी भिड़े? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। दरअसल हुआ यूं के कुल मिला के जो कुछ हुआ वो ये भिड़े भाई को सरप्राइज देने के लिए हुआ। तुम लोगों के सरप्राइज के चक्कर में हम पुलिस वालों का काम बढ़ जाता है। मैं बाबूजी के लिए कई जगह मैसेज भेजे, जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं चिंतित हो गया और मैं यहाँ आ गया। आकर क्या देखता हूँ, जो पुत्र अपने पिता के गुम होने पर पुलिस थाने में आकर रो रो कर गिड़गिड़ा रहा था कि मेरे बाबूजी गुम हो गए, कहीं से ढूंढ के लाइए, वो यहाँ आकर पार्टी 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 करता है। पार्टी मांगने से पहले तुम्हें मेरा एक बार भी ख्याल नहीं आया? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी आपके बगैर पार्टी कैसे हो सकती है, आपको तो पार्टी में आना ही पड़ेगा। मैं पार्टी की इनविटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल। तो जब बाबूजी मिल गए थे तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैंने तुमसे कहा था कि 11 बजे तक बाबूजी नहीं मिलेंगे तो तुम मुझे फोन करोगे, किया? सॉरी। नहीं नहीं सॉरी मत बोलना। क्यों सर? एक मिनट आइए ना। इधर आ। सर युगो छोड़िए और यहाँ आइए। क्या सर उनकी क्या गलती है, अभी तो 11 भी नहीं बजे। देखो जेठालाल इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओह थैंक यू। हर आदमी का टाइम एक सा नहीं होता, टाइम टाइम की बात है। आज हमारा टाइम अच्छा है, कल तुम्हारा टाइम अच्छा है। आप लोग पार्टी मनाइए, अब मेरे भी निकलने का टाइम हो चुका है। चलो अभी बुलाओ तो आ जाएगा, सबके सामने ईगो ईगो करते। तू तो जानता है मेरे पास ईगो है ही नहीं। चल अभी
भला तो सब भला, हम सब भी खुशी खुशी घर जाते हैं। और माधवी भाभी एंड भिड़े भाई, हम सब की ओर से वंस अगेन नए स्कूटर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय। कांग्रेस वंस अगेन। चलो अभी हम सब भी घर चले। आ, 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 पिड़ू, पर ध्यान रखियो, हमारी पार्टी तुझ पे उधार रही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी है, जाहिर करता हूँ कि कल सबको सोडा शॉप पे पार्टी दी जाएगी। सोडा शॉप? अरे मजाक कर रहा हूँ जेठालाल, नहीं बड़े पैमाने पे पार्टी होगी। हाँ पक्का पक्का करेंगे पार्टी। अरे भाई हम सबने चला लिया भी, इसको भी तो मौका मिलना चाहिए। हाँ खरच खरच खूब मजा आली। तो बाबा कैसी लगी आपको सरप्राइज? सरप्राइज? दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लाइफ। थैंक यू सो मच सोनू, थैंक यू सो मच माधवी। अरे बाप रे अभी तो बहुत लेट हो गया, अब स्कूल भी जाना है सोनू। चलो सोने। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। आहो मैं क्या कहती हूँ, मामा की वजह से हमें इतनी खुशियां मिली है तो एक थैंक यू बोलने के लिए फोन करते हैं ना उनको। हाँ लेकिन मामा जी अभी लंदन में, तो आईएसडी तो क्या हुआ? क्या हुआ? मैं लगाऊंगा फोन। हाँ हेलो मामा जी। हेलो आत्माराम बोलते है मुंबई हूँ, इंडिया तुन। अरे हाँ हाँ चिल्ला क्यों रहा है, आस्ते बोलना। वो आप लंदन में है ना सात समुद्र पर, तो मुझे लगा आपको सुनाई नहीं दे रहा है इसलिए मैं जोर से बोल रहा था। हाँ बोल बोल, सुनाई दे रहा है, कैसा है तू? मैं मस्त। हाँ मामा मैंने ये बताने के लिए फोन किया कि आपने जो हमें 1,00,000 रुपए दिए थे ना वो हमारे लिए यादगार भेंट हो गई है। अच्छा कैसे? उस पैसे से हमने स्कूटर ले लिया है। स्कूटर लिया? अरे वाह 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 वाह। ए ए ट्यूशन टीचर सेकेंड हैंड तो नहीं लिया ना? अरे नहीं नहीं मामा, माधवी ने मुझे स्कूटर गिफ्ट किया है, एकदम नवी कोरी करकरीत। अरे वाह वाह वाह, अभिनंदन अभिनंदन। मामा सच कहो तो आपने हमें ये पैसे नहीं दिए बल्कि आशीर्वाद दिया है जो हमारे परिवार में ढेर सारी खुशियां लेकर आया है। ए आत्माराम खुश रहो खुश रहो। देख तूने मुझे ये फोन करके बताया ना, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। हाँ बहुत खुश हो गया। और सुन अब जब भी तू नई स्कूटर पर बैठेगा ना तो मामा को और मामी को जरूर याद करना। अरे मामा हम तो वैसे भी आपको याद करते ही है ना। अरे जानता हूँ मजाक कर रहा हूँ रे, मजाक कर रहा हूँ। ओके मामा फोन रखता हूँ, गुड नाइट। अरे गुड नाइट क्या, अभी तो वहाँ पे गुड इवनिंग होगी। गुड इवनिंग। हाँ बाय बाय बाय। थैंक यू सो मच माधवी, थैंक यू सो मच। वेलकम। वैसे बापू जी आज आपने बहुत बढ़िया काम किया, ये भिड़े को नया स्कूटर दिला के। हाँ माधवी आंटी, सोनू, भिड़े अंकल सब लोग कितने खुश हो गए ना। हाँ वो तो है भाई, नया स्कूटर उनके जीवन में नई खुशियाँ लेकर आया है। लेकिन दादाजी अभी भिड़े अंकल स्कूटर सोसाइटी में पार्क करेंगे और हम लोग को खेलने नहीं देंगे। हाँ तो बराबर है बेटा, उनका नया स्कूटर है तो वो ख्याल तो रखेंगे ही ना, तुम लोग भी ख्याल रखना। हाँ बापा। लीजिए मुखवास। नहीं नहीं दे, अभी और कुछ खाया नहीं जाएगा। आज क्या बैंगन का भरता बनाया था तूने, मजा आ गया। बाजरे का रोटला और बैंगन का भरता कुछ ज्यादा ही खा लिया मैंने आज। तो चूरन दू? बोलता हूँ बाद में। दादाजी पापा को आप वो खाना हजम करने वाला आसन सिखाइए ना। हाँ बराबर है, आजा जेठिया चल मैं तुझे सिखाता हूँ। तू रोज खाना खाने के बाद अगर वज्रासन करेगा ना तो तुझे खाना खाने के बाद चूरन खाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आजा मैं तुझे दिखाता हूँ। ये ऐसे करके ऐसे बैठ जा,
चल आइए 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 कौन बाबा कौन तो पापा सोफे पे कीजिए, सोफा सॉफ्ट है। हाँ, हाँ, सोफे पे घुटनों पर दर्द नहीं होगा। चलिए चलिए ठीक है, चल आजा सोफे पे। बापू जी ने फटाफट चल अभी मुंह मत बिगाड़, वजन ज्यादा है तो थोड़ी तकलीफ होगी, कोशिश कर हो जाएगा। हाँ पापा, टप्पू के पापा आप रोज ऐसा करेंगे ना तो आपका वजन कम हो जाएगा। हाँ कम ऑन कम ऑन पापा कम ऑन, यू कैन डू इट। टप्पू के पापा क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ बहू, ये नाटक या नाटक कर रहा है। नहीं नहीं नाटक नहीं कर रहा हूँ बापू जी, नस पे नस चढ़ गई। हाउ लेफा जे हो जे, तू रहने दे भाई रहने दे, तू चल नहीं होगा रहने। चल भाई चल टप्पू सोने चल, चल। हाँ गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी, जय जिनेंद्र। हाँ गुड नाइट टप्पू के पापा, आपका पैर दीजिए। अरे नहीं दे सकता, जॉइंट है। अरे ऐसे नहीं, नहीं मैं ही ले लेती हूँ, आप पैर दीजिए। एक मिनट जरा शांति रख भाई। हाय हाय हाँ धीरे धीरे। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ याद है टप्पू के पापा, शादी के बाद एक बार आप मुझे सुंदर वीरा की बाइक पर कांकर या तालाब घुमाने ले गए थे, और तभी बाइक का गियर बदलते बदलते आपके पैर की नस पर नस चढ़ गई थी, तभी मैंने ही ठीक की थी। मजा आ गया था। मेरे पैर की नस पर नस चढ़ गई थी उसमें तुझे मजा आ गया था? अरे नहीं नहीं नहीं, कांकर या तालाब घूमने का मजा आ गया वो बात कर रही हूँ। मजा तुझे आया होगा, मेरे तो पूरी शामो सुंदर वीरा के दोस्तों ने बिगाड़ दी थी। उधर उधर कांकर या तालाब पे आधे से ज्यादा लोग सुंदर के दोस्त थे। दो मिनट तुझसे प्यार भरी बातें करने जाऊं उसमें तो कोई ना कोई टपक पड़ता था। अरे जीजा जी आप इधर, ओहो कांकर या तालाब घूमने आए? अरे घूमने नहीं तो क्या, कांकरिया में कितना लीटर पानी है वो चेक करने आया हूँ। और दूसरा, ए जिगड़ा ए बॉस आ जाओ, जीजा जी बैठा है यहाँ। ओ जीजा जी चलो आपको मैं मस्त दाबेली खिला के लाता हूँ, हेड़ो मजा आएगा, हेड़ो हेड़ो। मैंने मुश्किल से एक दाबेली खाई होगी, वो पांच छह गप का गया। और फिर जब पैसे देने की बारी आई तो बोलते है, अरे सॉरी बॉस जीजा जी मेरे पास छुट्टा नहीं है, बंदी नोट है, आपके पास छुट्टा होगा? तो फिर वो दाबेली के पैसे भी मुझे ही देने पड़े। उस दिन पूरे रोमांचक मूड का सत्यानाश कर दिया सबने मिलकर। कोई बात नहीं, उस दिन की कसर आज पूरी कर देते हैं। ए बाबू मासा। अरे बाबू मासा नहीं, बाबू मोसाई। ओ हाँ, वही वही वही। मैं क्या कहती हूँ टप्पू के पापा, बहुत दिन हो गए मैं आपके साथ स्कूटर पर नहीं बैठी हूँ, चलिए ना भीड़े भाई का स्कूटर पर कांकर या तालाब घूम कर आते हैं। स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद? पागल हो गई है? नहीं, अरे सब लोग कहेंगे कि देखो देखो ये टप्पू के पापा गड़ा दया के प्यार में कितने पागल हो गए हैं, उसको घूमने के लिए छह मुंबई से अहमदाबाद लेकर आए हैं। डूबी इतनी ठंडी में हम लोग स्कूटर पे यहाँ से अहमदाबाद जाएंगे ना तो हाथ पैर गला आंखें सब ऐसा अकड़ जाएंगे। कोई बात नहीं, हम एक काम करेंगे, साइड कार में हाथी भाई को भी साथ में लेकर जाएंगे। शांति रख शांति रख, अब की बार हम लोग अहमदाबाद जाएंगे ना तो वहीं से किसी का स्कूटर या बाइक लेंगे और उस पे तुझे बिठा के मैं कांकरिया तड़ाव घुमाने ले जाऊंगा बस। नहीं नहीं नहीं, बाइक नहीं स्कूटर, स्कूटर भीड़े भाई के पास जैसा स्कूटर है ना ठीक वैसा ही। भीड़े भाई का स्कूटर
है नहीं? मस्त है। आज तो अभी उसे नए स्कूटर की वजह से नींद नहीं आ रही होगी। शिकार बे यार, हम इतनी ठंड में यहाँ ये स्टैंड और अखबार चुराने आए हैं। भाई इसके तो रद्दी में 2 रुपए भी नहीं मिलने वाले। मैं रद्दी की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूटर की बात कर रहा हूँ। मस्त स्कूटर है यार, मजा आ गया। क्या स्कूटर है, अच्छे खासे दाम मिल जाएंगे। सही कह रहा तू। एक ये मास्टर की भी है मेरे पास, तो चल शिकार करते हैं। चल चल चलते हैं। ए, 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 सुन, ए, ए, हेल, हेलो। अभी तो भिड़े के स्कूटर की नजर भी नहीं उतरी थी कि चोरों की नजर उस पे पड़ गई। जैसे एटीएम में से पैसे धनाधन निकलते हैं ना, ठीक वैसे ही टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, मुश्किलें गोकुलधाम सोसाइटी में एक के बाद एक आती है। भाई भिड़े का नया नवेला स्कूटर अभी तो जी भर के देखा भी नहीं था, और ये स्कूटर चोरी हो जाएगा, गजब हो जाएगा साहब, कमाल ही हो जाएगा। लेकिन क्या करें, स्कूटर इतने हंगामे अपने साथ लेके आया है कि अब नए हंगामे तो होना स्वाभाविक है। अब स्कूटर चोर चुराएंगे, लेकिन ये बात तय है कि वो आपके होठों से हंसी नहीं चुरा सकते, क्योंकि आप देखते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। होठों की हंसी बड़ी कमाल की चीज होती है, लबों का तबस्सुम, इसे लाने में सदियां निकल जाती हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिंदगी भर ऐसे काम करते हैं कि लोगों के चेहरों की मुस्कुराहट बनी रहे, उनके लबों पे तबस्सुम बना रहे। ऐसा ही एक नाम थे श्री आर के लक्ष्मण, जिन्होंने कॉमन मैन के मार्फत, आम आदमी के मार्फत उसकी समस्याओं को रोज हमारे समक्ष परोसा, हम उसे देख के मुस्कुराए हंसे। आर के लक्ष्मण इस दुनिया में नहीं रहे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। लेकिन ऐसे लोग हमेशा दुनिया में रहते हैं जो लोगों को हंसाने का सबब बनते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप हमेशा हंसते रहेंगे और ये भी सोचेंगे कि भिड़े का स्कूटर अगर चुरा लिया जाएगा तो क्या होगा। तो ये जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।